से 6 राउंड फायर किए, वीनाराम कोहली नामक किसान के गोली लग गई, जिसे पहले सिरोही के अस्पताल में ले जाया गया। माननीय सभापति महोदय, अभी वो वीनाराम कोहली जोधपुर के एम्स अस्पताल में एडमिट है। मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूँ कि अपराधियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ के चलते उनको गोली लगी है, इसलिए धारीवाल साहब बैठे हैं, उस निर्दोष नागरिक को जिसको अपराधी गोली लगी है, आप राज्य सरकार की ओर से सहायता स्वीकृत करें। जोधपुर के एम्स में उसका इलाज हो रहा है, उसकी मैं भी आपसे विनती करता हूँ। आप कल्याणकारी सरकार हो, दरिया दिल हो, खुले दिल से उनकी मदद करो और इनका पूरी तरह नाश करो। श्री चंद्रमान सिंह आ गया, श्री छगन सिंह, श्री राम शंभु लांबा, श्री अमर सिंह बायल 295, श्री प्रताप सिंह, श्रीमती अनिता पटेल, श्री प्रताप सिंह बील, श्रीमती जाहिदा खान, श्रीमती जाहिदा खान, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख गुड़गांवा कैनाल की पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी का सीकरी बांध तक विस्तार करने एवं गुड़गांवा कैनाल की बची हुई कच्ची वितरिकाओं की सिल्ट निकालकर पक्का करने के संबंध में प्रस्ताव। अध्यक्ष जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत मैं आपका ध्यान हरियाणा सरकार से हुए यमुना जल समझौते के अनुसार कामा विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा द्वारा गुड़गांवा कैनाल के जरिए उपलब्ध हो रहे पानी की ओर दिला रही हूँ। वर्तमान में गुड़गांवा कैनाल के पानी से कामा विधानसभा क्षेत्र के आधे किसान ही लाभ उठा पा रहे हैं। क्षेत्र के अधिकतम किसान सिंचाई हेतु इस जल का लाभ उठा सकें, इसलिए गुड़गांवा कैनाल से निकलने वाली आड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी का विस्तार सीकरी बांध तक करें। गुड़गांवा कैनाल से निकलने वाली पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी का विस्तार सीकरी बांध तक करने से हरियाणा द्वारा मिलने वाला पानी का संचय इस सीकरी बांध से किया जा सकेगा एवं आवश्यकता पड़ने पर इस पानी को विभिन्न वितरिकाओं के माध्यम से क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए 12 महीने उपलब्ध कराया जा सकेगा तथा तालाबों से भरा जा सके, जिससे पशुओं को भी पीने की पानी की 12 महीने उपलब्ध रहे। क्षेत्र में गुड़गांवा कैनाल की कुल 36 वितरिकाएँ हैं, जिनमें से गत वर्ष के बजट में 23 डिस्ट्रीब्यूटरीज को पक्का करने के लिए बजट आवंटित कर दिया है, लेकिन अभी तक 13 डिस्ट्रीब्यूटरीज बची हुई हैं जिनकी सिल्ट निकालकर पक्का किया जाना है। इन कच्ची डिस्ट्रीब्यूटरीज को बजट आवंटन कर पक्का कराने से पानी की पहुंच समस्त गाँव में हो सके।